तो ये मेरे सामने जो अभी आप प्रतिमा देख रहे हो, ये लंकापति रावण ने कैलाश पर्वत को उठा रखा है। तो यार ये प्रतिमा कभी आपने पहले देखी है? ये चेक करो, ये देखो क्या जबरदस्त प्रतिमा बनाई गई है, बहुत ही बढ़िया, पहली सदी की। ओ भाई साहब, ये 21,000 साल पुरानी मूर्ति है नंदी जी की। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विद द न्यू एपिसोड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नवीश करीर। तो आपका चैनल पे स्वागत है नवीश करीर व्लॉग्स। तो अभी मैं हूं श्री महाकाल लोक में, उज्जैन नगरी में, महाकालेश्वर मंदिर के बिल्कुल पीछे वाली साइड पे हूं मैं। तो आपको अभी दर्शन करा रहा हूं मैं सारे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि यार जो आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं ना यार, वो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। और ऐसी ऐसे देवी देवताओं की प्रतिमाएं आपको दिखाने जा रहा हूं ना, जो ऐसे लगता है कि वो मूर्ति नहीं है, बेसिकली असल में सामने खड़े हैं। तो आ जाओ मेरे साथ, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। सबसे पहले ये देखिए भाई साहब, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की प्रतिमा देखिए यार, महाकाल लोक उज्जैन से आपको दिखाऊंगा ये सारा। और इधर देखिए, ये देखिए श्री महालक्ष्मी शक्ति स्वरूप, ये प्रतिमा देखिए भाई साहब, जबरदस्त। और हाँ, ऐसी प्रतिमाएं आपको पूरे भारत में कहीं नहीं दिखने वाली। मैं अभी इस टाइम महाकाल लोक में हूँ और आपको आपका भाई पहले दिखाएगा। और ये चेक कीजिए भोले बाबा की इतनी बड़ी प्रतिमा, ये करिए चेक, जबरदस्त, बहुत बड़ा है। और आगे तक जाऊंगा और सारा कुछ दिखाऊंगा आपको, कितनी जबरदस्त कलाकृति की गई है पिलर पे, ये देखिए। और इधर अपने गणपति जी विराजमान हैं, गणपति बप्पा मोरया। तो इधर गणपति जी हैं, ये देखिए। और अभी सामने जाकर देखते हैं, बहुत ही अद्भुत प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित की गई हैं महाकाल लोक में, और बड़ी बारीकी से बनाया गया। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए भगवान शिव के दर्शन कीजिए महाकालेश्वर उज्जैन में। तो ये देखिए यार, क्या स्वरूप है यार भगवान का, ये देखिए, बहुत बड़ा है यार। ये व्लॉग बड़ा बनेगा क्योंकि आपको सारा दिखाऊंगा एक ही वीडियो में। और इधर देखिए हनुमान जी की प्रतिमा, आप यार मूर्ति पे क्लैरिटी देखिए यार, नक्काशकारी देखिए कि कितनी यार बारीकी से बनाई गई मूर्तियां यार। और ये देखिए हमारे राम भक्त श्री हनुमान जी की प्रतिमा है, तो ये देखिए। और ये देखो यार, इधर जबरदस्त, मेरे हिसाब से अभी तक मैंने YouTube पे ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा जो मैं अभी बना रहा हूँ आपके लिए। और ये देखिए श्री बटुक भैरव, ये हैं श्री बटुक भैरव, आप देख सकते हैं, ये देखिए। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं के आपको आज दर्शन होंगे यहाँ पे महाकाल लोक में। तो ये श्री क्रोध भैरव जी के दर्शन कीजिए, ये है श्री क्रोध भैरव। तो मेरी ये वीडियो एंड तक देखते रहना, हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं के हम आज दर्शन करेंगे। और ये भैरव जी का ये रूप देखिए, श्री संहार भैरव, तो ये श्री संहार भैरव जी के दर्शन करो। और इधर देखो श्री रूरू भैरव, भैरव जी के मैं फर्स्ट टाइम ऐसे दर्शन कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये श्री रूरू भैरव जी हैं। और इधर श्री महाकाल जी भैरव, ये देखिए ये श्री महाकाल जी भैरव है। और इधर देखिए श्री भीषण भैरव, श्री भीषण भैरव जी के दर्शन कीजिए श्री महाकाल लोक में। और ये इधर देखिए श्री चंड भैरव जी, ये श्री चंड भैरव जी के दर्शन हैं। और इधर तो ये देखिए, और ये देखिए श्री कपाल भैरव जी के दर्शन, और इनकी सवारी है हाथी। और इधर से मैं आपको दिखा रहा हूँ महाकाल जी की एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा। और ये सुमे इधर देखो खड़ा भाई, ये आपको
कहीं भी नहीं दिखेंगी ऐसी प्रतिमाएं हिंदू धर्म की। तो भाई साहब ये चेक करो, शिव जटाओं से गंगा वतरण का ये दृश्य है। ऐसे गंगा मैया शिव जी की जटाओं में से ऐसे निकले थे। तो ये देखो भाई साहब सिंह नंदी जी और ऋषि मुनि जी, और इधर देखिए भोलेनाथ जी ने गंगा मैया को जटाओं में रखा हुआ है। और यहाँ से ऐसे पूरा ये गंगा कैसे निकली थी, गंगा मैया कैसे निकली थी शिव की जटाओं में से, सारा वो इस प्रतिमा के थ्रू दर्शाया गया है। तो देखो यार कितनी ज़बरदस्त है ना, बढ़िया। जय श्री महाकाल। तो अभी आगे चलते हैं, बहुत बड़ा भाई इधर से स्टार्ट होता है और वो देखो एंड तक जाता है। एंड तक मैं इसी कैमरा के साथ जाऊंगा और उसके बाद मैं आऊंगा 360 व्यू के साथ और 360 व्यू आपको दिखाऊंगा। और इधर देखिए यार और पीछे झील भी बनाई गई है, झील का नज़ारा देखो आप, ये देखो। और अभी आपको दिखाता हूँ मैं कि आगे और कैसी कैसी अद्भुत प्रतिमाएं आ रही हैं और कैसे कैसी प्रतिमाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो चलते रहिए आप मेरे साथ। ये देखिए इधर भारत माता मंदिर है, इधर भारत माता मंदिर है और यहाँ पे ठहरने का भी पूरा इंतज़ाम है। और अभी हम आगे जा रहे हैं, इधर खड़ो। तो ये कुछ भाई मिले हैं हमारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो इनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा पार्थ लोधी। आपका? मेरा भारत प्रताप सिंह, फिर दुमन लोधी। तो सबसे पहले आपको जय श्री महाकाल जी की। जय श्री महाकाल। तो अभी आप अभी आए हो महाकाल लोक में? जी जी। तो फर्स्ट टाइम देख रहे हो? जी। कैसा लगा आपको? बहुत शानदार लगा है, बहुत बढ़िया। पहले कभी ऐसी प्रतिमाएं देखी हैं देवी देवताओं की? जबरदस्त है ना। हाँ। तो चलो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ कुछ और प्रतिमाएं आ रही हैं भगवान की, तो मैं आपको दिखाता हूँ यार। ऐसी प्रतिमाएं यार मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी यार। बार बार बोल रहा हूँ आपको कि जब भी महाकाल जी के दर्शन करने आओगे ना, तो महाकाल लोक में एक बार ज़रूर आना यार। ज़बरदस्त है यार, अद्भुत नज़ारे आते हैं यहाँ पे। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करवाऊँगा अभी आपको मैं। तो आप देख सकते हो सामने ये है पंचमुखी हनुमान जी, तो इनके दर्शन कीजिए आप। और देखिए यार कितना बढ़िया रूप बनाया है यार पंचमुखी हनुमान जी का। तो ये देखिए, बाद में आपको 360 व्यू दिखाऊंगा मैं, तो उसमें आपको प्रॉपर क्लियर दिखेगा। तो ये देखिए सामने ये है श्री दत्तात्रेय अवतार। तो ये श्री दत्तात्रेय अवतार के दर्शन कीजिए यार। ये देखो ओ भाई साहब, ये देखिए। और इधर देखो यार श्री शिव मोहिनी पुत्र भगवान अयप्पा, कभी देखे हैं पहले दर्शन किए हैं भगवान के? तो ये देखिए यार जबरदस्त, ये देखिए। और इधर देखिए भगवान शिव का शरभ अवतार है, तो ये देखिए सामने। और ये देखिए भाई साहब जबरदस्त है। और इधर देखिए सारा महाकाल लोक का व्यू है। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ अब जाके, ये सामने देखना आपको दिखाता हूँ। श्री मणिभद्र जी, आप सबको नए नए नाम सुनने को मिलेंगे देवी देवताओं के, बट ये रियल में हमारे वेदों और पुराणों में लिखा गया है और है थे। और ये मणिभद्र जी के दर्शन कीजिए, ये देखिए रौद्र रूप है पूरा। और ये नीचे देखिए आप, और आप देखिए यार कि कितनी यार सुंदरता से कलाकृति की गई है और इतनी क्लैरिटी से मूर्तियां बनाई गई हैं, ये देखिए। और ये बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति हैं और बहुत ही बड़े बड़े साइज़ की मूर्ति हैं। और आपको मैं अभी आगे लेके चलता हूँ। आगे तो भाई साहब बहुत ही जिसको बोलते ना ज़बरदस्त वाला व्यू आने वाला है, आप भी कहोगे और आपके मन में भी आने लग जाएगा कि यार महाकाल लोक ज़रूर आना ही आना है, क्योंकि
यहाँ पर आकर ना, मतलब मैं कह रहा हूँ यार, शब्द नहीं है। जब आप इन प्रतिमाओं को देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि असली ही खड़े हैं यार भगवान हमारे सामने। तो इतना ज़बरदस्त है ना ये सीन। तो यार ये देखो यार, नज़दीक अगर आपको दिखाता हूँ यार, ये जो है ना यार, इस टाइम सीन ये अद्भुत है यार, अद्भुत। ये देखिए, ये देखिए, महाकाल जी बीच में खड़े हैं। और तो ये बेसिकली ये नीलकंठ महादेव समुद्र मंथन है। तो ये देखिए यार, जबरदस्त वाला नीलकंठ महादेव समुद्र मंथन, बीच में महादेव जी विराजमान है। और इधर स्कूल के बच्चे भी पूरा आज महाकाल लोक के दर्शन करने आए हैं। और इधर देखिए आप समुद्र मंथन के पूरे दर्शन, ये बीच में महादेव जी की विशाल प्रतिमा है यार। और ऐसा लग रहा है कि यार हमारे सामने खड़े हैं और ये समुद्र मंथन हो रहा है। और ज़बरदस्त वाला ये व्यू है यार, तो ऐसे व्यू आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये देखिए दूर से देखिए, ये है समुद्र मंथन हो रहा है। और इधर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ भगवान माहेश्वर। इधर देखिए भगवान माहेश्वर, ये सामने भगवान माहेश्वर की प्रतिमा है। ये देखिए यार, ऐसे लगता कि सामने सचमुच खड़े हैं यार। ये देखो ज़बरदस्त। और इधर आपको दिखाता हूँ और नृत्य लीला में लीन माँ दुर्गा का ये प्रतिमा देखिए यार, ये मूर्ति देखिए, माँ की मूर्ति देखिए, माँ दुर्गा नृत्य लीला में लीन है यहाँ पे। और ये देखिए, और सामने मैंने आपको दिखाया था नीलकंठ। अभी और आगे चलते हैं, और आगे चलकर देखते हैं कि और अभी जो देवी देवताओं से हम रूबरू नहीं हैं, तो और कौन कौन ऐसे देवी देवताएं हैं जिनका हमें अभी तक पता नहीं है। तो आ जाओ, और महाकाल लोक की यही खासियत है कि आपको यहाँ पर हर देवी देवता की प्रतिमा देखने को मिलेगी। तो ये मेरे सामने जो अभी आप प्रतिमा देख रहे हो, ये लंकापति रावण ने कैलाश पर्वत को उठा रखा है। तो यार ये प्रतिमा कभी आपने पहले देखी है? कभी नहीं देखी होगी। तो ये देखिए, आज महाकाल लोक में आपको ये प्रतिमा को भी देखने को आपको मौका मिल रहा है। तो ये देखिए लंकापति रावण, और उधर कैलाश पर्वत ऊपर बनाया गया है। ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया यार, मज़ा आ गया, अद्भुत। और इधर देखिए, इधर आपको मैं और भी दिखाता हूँ। और यहाँ पर अगर आपको घूमना है, तो ये बैटरी कार भी यहाँ पे चलती है प्रॉपर पूरी, इस पर भी आप घूम सकते हैं, क्योंकि महाकाल लोक बहुत बड़ा है। तो ये श्री महालक्ष्मी जी के दर्शन कीजिए, और इधर देवी सरस्वती के दर्शन कीजिए, और इधर माँ पार्वती जी के दर्शन कीजिए। ये देखिए, ये माँ पार्वती, देखिए यार ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया, अद्भुत। और थोड़ा सा इससे आगे जाकर देखते हैं कि इससे आगे जाके और क्या है। तो अभी थोड़ा सा अंदर जाकर देखता हूँ कि और क्या है, बहुत बड़ा, अभी ख़त्म नहीं होने वाला ये, तो दिखाता हूँ आपको। तो इधर से आप साइड से लंकापति रावण के दर्शन कीजिए, यहाँ से देखिए कैलाश पर्वत उन्होंने उठा रखा है। और इधर देखिए भाई साहब, ये देखिए सामने बहुत प्रतिमाएं हैं यार, और बहुत बड़ा है महाकाल लोक, आपको दिखाता हूं मैं। और ये देखिए यार, इसकी डिटेल मैं अभी आपको प्रतिमा की डिटेल बताता हूं। अभी ये श्री खंडोबा जी हैं, महाराज श्री खंडोबा जी हैं। और देखिए ये सवारी कर रहे हैं घोड़े की, और थोड़ी सी धूप पड़ रही है यार, माइट बी मेरी जो वीडियो थोड़ी सी काली बने, बट आप देखिए ना यार, क्या ज़बरदस्त यार नकाशकारी की गई है, और ज़बरदस्त मतलब प्रतिमाएं बनाई गई हैं। और जब आप महाकाल लोक में आएंगे, ओम की धुन लगातार बजती रहेगी, जो आपके मन को शांति देती रहेगी। और इधर देखिए भाई साहब, ये अपने शादी में वर के रूप में भगवान भोलेनाथ जी जा रहे हैं। और ये देखिए यार, कितनी सुंदर प्रतिमा है यार, मज़ा आ गया। इधर देखिए, आपको आगे से दिखाता हूँ एक बार,
ये देखिए कीजिए भगवान भोलेनाथ के दर्शन। विवाह में वर के रूप में जा रहे हैं, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। भाई वीडियो अभी लंबा बनेगा क्योंकि बहुत बड़ा, और वीडियो को एंड तक देखें, शायद आपको इस वीडियो में ही भगवान के दर्शन हो जाएं। तो अभी ये देखिए, यहाँ पर ये प्रतिमा देखिए, तो ये आप दर्शन कीजिए श्री चंद्रशेखर महाराज जी के। महादेव जी सिंहासन में विराजमान है, और आप देखिए यार कितनी विशाल प्रतिमा है ये देखिए। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सब कुछ दिखाऊंगा आपको, क्योंकि यार यहाँ पर आने के लिए बार बार मौके नहीं लगते। जब भगवान जी आज्ञा देते हैं तभी हम यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये देखिए भाई साहब, श्री काल भैरव जी के दर्शन कीजिए। ये है श्री काल भैरव जी, ये देखिए नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए आप कितनी क्लैरिटी से ये प्रतिमाओं को उकारा गया है यार। ये देखो काल भैरव जी का ये रूप देखिए, है ना ज़बरदस्त। आ जाओ आगे, आपको और दिखाता हूँ मैं, बहुत कुछ है अभी, बहुत दर्शन करने हैं अभी, और दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए शिव द्वारा यम संहार, तो ये देखिए भगवान भोलेनाथ यम का संहार कर रहे हैं। तो ये देखिए भाई साहब, श्री शिव द्वारा यम संहार, ये देखिए, देख रहे हो कितनी विशाल प्रतिमा है ये। और इधर यम जी हैं, यमराज जी, और इधर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, और ऊपर स्वयं भोलेनाथ जी, ये देखिए आसमान को छूती प्रतिमा है ये। और थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे और क्या है। अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना यार, वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है यार। दूर से मेरे को नज़र आ रहा है, बट आपको मैं बिल्कुल क्लोज जाकर दिखाऊंगा। तो ये मैं अभी एंटर कर गया हूँ यहाँ पे। तो ये देखो भाई साहब, सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जो मैंने दूर से एक प्रतिमा देखी है जो बहुत ही अद्भुत है, देखने में बहुत ही अपनी तरफ से आकर्षित करती है। तो देखते हैं कि क्या है ये। तो ये है बेसिकली वीरभद्र द्वारा दक्ष का चीर छेदन। तो भाई ये देखो सामने, इस प्रतिमा को देखो तो कितनी क्लैरिटी है, और कितना यार बढ़िया बनाया गया है यार, ये देखिए, और बहुत विशाल है ये देखिए, ज़बरदस्त। तो मस्ट विजिट प्लेस है, यहाँ पे हर बंदे को आना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पर एक्चुअल में है क्या क्या। बहुत कुछ नई चीज़ें, बहुत सी नई चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये देखिए भाई साहब, अभी आप देखना, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, और प्रतिमाओं की ना क्लैरिटी देखना यार। तो ये है महर्षि वशिष्ठ, ये देखिए, देखिए यार मेरे को दिक्कत आ रही है क्योंकि इतनी ऊंची प्रतिमा है और मैं हाथ अपना ज़्यादा ऊपर नहीं उठा पा रहा। और ये देखिए आप, ये देखिए, और इधर आगे चलते हैं, आगे जाके आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे महर्षि जमदग्नि जी की प्रतिमा है, ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, आप देखिए, ये देखिए भाई, ये सारा देखिए यार, बहुत ही बढ़िया है। तो ये सामने महर्षि गौतम जी की प्रतिमा है, ये देखिए, है ना ज़बरदस्त। और इधर देखिए, इधर सामने महर्षि विश्वामित्र जी की ये प्रतिमा है सामने, ये देखिए। और आपको यहाँ पे प्रॉपर पूरी डिटेल्स मिलेंगी, जब भी आप आगे दर्शन करोगे तो यहाँ पर पूरी आपको डिटेल मिलेगी हर प्रतिमा की। चालू ही है सर। तो यहाँ पर भाई साहब बैठे, उनसे बात करते हैं। सर क्या हाल चाल है जी? अरे इतने बढ़िया हालचाल है सर, मैं इंदौर से आया हूँ जो भारत का पूरा स्वच्छ शहर है। जय श्री महाकाल जी की, जय भारत। दूसरी बात, मोदी जी ने कमाल का काम करा है,
और मैं यूँ कि मोदी जी को ऐसे आना चाहिए धूम धड़ाके के साथ कि पूरी दुनिया को बदल दे और अपना हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। बिल्कुल। तो ये सामने है महर्षि भारद्वाज जी की प्रतिमा, ये देखिए। यार धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है इसलिए थोड़ी सी वीडियो में वीडियो काली हो सकती है, बट आप फिर भी अंदाज़ा लगाना कि ये प्रतिमा कितनी बढ़िया बनी हुई है। यार ये महर्षि अत्रि जी की प्रतिमा है, ये देखिए। और ये जो इधर ओम की ध्वनि आ रही है ना बार बार जो कानों में, यार वो बहुत ज़्यादा शांति दे रही है। और इधर महर्षि कश्यप, ये महर्षि कश्यप की प्रतिमा है, ये देखिए। तो आपको एक बार मैं दिखाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात महर्षि, तो सात ऋषियों की यहाँ पे प्रतिमाएं हैं, बहुत ही बढ़िया। अब आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या है। तो ये त्रिवेणी मंडप है यहाँ पे, तो ये देखिए यार यहाँ पे बैठने की सुविधाएं हैं, क्या ज़बरदस्त बना हुआ है, इधर देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर महाकाल लोक में आने की कोई टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जब मर्जी यहाँ पे आ सकते हो, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई इसकी टिकट नहीं है। और अभी आपको मैं और प्रतिमाएं दिखाता हूँ इधर, ये देखिए यार बहुत ही ज़बरदस्त प्रतिमा मेरे को दूर से नज़र आ रही है भगवान की मूर्त, और नज़दीक जाकर देखते हैं। गणपति बप्पा जी की ये मूर्त है, और मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखिए श्री गणेश जी की प्रतिमा है ये, और ये देखिए क्या ज़बरदस्त है यार, ये देखिए। तो ये त्रिवेणी मंडप है यहाँ पे, तो ये देखिए यार यहाँ पे बैठने की सुविधाएं हैं, क्या ज़बरदस्त बना हुआ है, इधर देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर महाकाल लोक में आने की कोई टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जब मर्जी यहाँ पे आ सकते हो, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई इसकी टिकट नहीं है। और अभी आपको मैं और प्रतिमाएं दिखाता हूँ इधर, ये देखिए यार बहुत ही ज़बरदस्त प्रतिमा मेरे को दूर से नज़र आ रही है भगवान की मूर्त, और नज़दीक जाकर देखते हैं। गणपति बप्पा जी की ये मूर्त है, और मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखिए श्री गणेश जी की प्रतिमा है ये, और ये देखिए क्या ज़बरदस्त है यार, ये देखिए है ना बढ़िया। और इधर देखिए श्री महाकाल लोक में, आपको मैंने कहा कि ऐसी ऐसी प्रतिमाएं देखने को मिलेगी जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। तो भाई साहब ये चेक करो, ये देखो क्या ज़बरदस्त प्रतिमा बनाई गई है, बहुत ही बढ़िया। और इधर आप देखिए ये सामने राक्षस त्रिपुरासुर, सामने राक्षस त्रिपुरासुर, ये देखिए। और ये घोड़े, और इधर देखिए महाकाल जी संहार करते हुए उनका, तो ये देखो यार कितनी ही ज़बरदस्त यार अद्भुत संरचना ये यार, मज़ा आ गया देख। और ये देखिए भाई साहब नवग्रह मंडल, पूरे नौ ग्रह यहाँ पर विराजमान है, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गुरु, और इधर देखिए आगे इधर आ गया केतु, और इधर देखिए शनि। तो ये सुमे थोड़ा सा अपने झूले एंजॉय करेगा, और ये देखिए आजा आजा, और यहाँ से आएगा, ओ वाह क्या बात है गुड। तो यार बहुत बड़ा है, मैं तो चलते चलते थक गया, प्यास बहुत लगी हुई है। अभी मैं उधर माँ पार्वती की प्रतिमा देख रहा हूँ, उन्होंने गोद में श्री गणेश जी को उठाया हुआ है, और कार्तिकेय जी साथ खड़े हैं, तो मैं आपको जाकर दिखाता हूँ यार, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, जाकर अभी देखते हैं नज़दीक से। और आप बिलीव करो मेरे हिसाब से अभी आधा भी नहीं हुआ, और मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, मुँह सूख रहा है यार मेरा बहुत बड़ा है श्री महाकाल लोक, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा है, ज़बरदस्त वाला। और इधर देखिए पार्वती मैया जी है सामने, और पार्वती मैया जी की प्रतिमा देखिए, और साथ में है कार्तिकेय जी, और इधर गणपति बप्पा अपने श्री गणेश जी। तो देखो कितनी बड़ी प्रतिमा है यार, है ना ज़बरदस्त। तो ये सुमे थोड़ा सा अपने झूले एंजॉय करेगा, और ये देखिए
आजा आजा, और यहाँ से आएगा। ओ वाह क्या बात है, गुड। तो यार बहुत बड़ा है, मैं तो चलते चलते थक गया, प्यास बहुत लगी हुई है। अभी मैं उधर माँ पार्वती की प्रतिमा देख रहा हूँ, उन्होंने गोद में श्री गणेश जी को उठाया हुआ है और कार्तिकेय जी साथ खड़े हैं। तो मैं आपको जाकर दिखाता हूँ यार, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, जाकर अभी देखते हैं नज़दीक से। और आप बिलीव करो, मेरे हिसाब से अभी आधा भी नहीं हुआ और मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, मुँह सूख रहा है यार मेरा। बहुत बड़ा है श्री महाकाल लोक, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा है, ज़बरदस्त वाला। और इधर देखिए पार्वती मैया जी है सामने, और पार्वती मैया जी की प्रतिमा देखिए, और साथ में है कार्तिकेय जी, और इधर गणपति बप्पा अपने श्री गणेश जी। तो देखो कितनी बड़ी प्रतिमा है यार, है ना ज़बरदस्त। और ये मेरे बिल्कुल सामने एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है, देखते हैं जाके कि भगवान की कौन से भगवान की ये प्रतिमा है। तो चेक करते हैं, कार्तिकेय प्रभु जी हैं ये, तो कार्तिकेय प्रभु जी के दर्शन कीजिए यार। फर्स्ट टाइम मैं मूर्ति देख रहा हूँ कार्तिकेय जी की मूर्ति चेक कीजिए यार, ज़बरदस्त। तो आ जाओ आगे, अब आगे जाकर देखते हैं कि आगे क्या है। और ये देखो भाई, वो उधर से आया हूँ मैं, वो पीछे से, ये जहाँ से आपको मेरी उंगली दिख रही है ना, वो वहाँ से आया मैं। और देखो घूमते घूमते यहाँ पहुँच गया हूँ, है ना। और अभी आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं, सामने बहुत अद्भुत नज़ारा आने वाला है, दिखाऊँ आपको। प्यास बहुत लगी हुई है आपके भाई को यार, मुंह बहुत सूख रहा है। तो बस पहुंच रहा हूं, एकदम से कैमरा उधर करके आपको दिखाऊंगा, आप भी कहोगे यार कि मन खुश हो गया, ज़बरदस्त वाला, है ना। तो काउंटिंग करता हूं यार मैं, 1 2 3, ये देखो सामने, है ना ज़बरदस्त। महादेव जी स्वयं विराजमान है, और देखो यार इधर क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। और तो अभी चलता हूँ आगे, और आपको आगे जाकर दिखाता हूँ कि आगे और क्या क्या है। बहुत ही बढ़िया यार, मन खुश हो गया यार, पूरा मन खुश हो गया। बट अभी तक मैंने महाकाल जी के दर्शन नहीं किए, वो मैं मोस्ट प्रोबली कल मॉर्निंग जाऊँगा सुबह, और या शाम को जब भी महाकाल जी ने बुलावा दे दिया, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना तो हम यहाँ पर आ भी नहीं सकते। अब उन्होंने बुला लिया, पहले उनका लोक देखना है, जो उन्होंने यहाँ पे लोक बनवाया है, तो ये देखने के बाद फिर महाकाल जी के दर्शन करेंगे। तो ये देखो यार साइड से भाई साहब, ओए होए 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 होए, क्या ज़बरदस्त व्यू है यार, मज़ा आ रहा है ना यार वीडियो देख के। एंड तक बने रहें, बहुत कुछ है अभी देखने को, अभी आपको और दिखाता हूँ मैं कि और यहाँ पर क्या क्या है। ये देखो भाई महादेव जी का त्रिशूल और रुद्राक्ष की माला उसके ऊपर पूरी तरह से सजाई हुई है, और साथ में है डमरू। तो ये देखिए भाई साहब, है ना ज़बरदस्त। इधर देखिए, है ना बढ़िया। तो ये आ गई महादेव जी की त्रिशूल की तस्वीर, और इधर आपको मैं लेकर जा रहा हूँ, इधर देखिए सामने गणेश जी की प्रतिमा है, वो आपको दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पे ई रिक्शा भी चलते रहते हैं सामने, जैसे कोई ज़्यादा बुजुर्ग बंदा कोई भी है, वो इजीली आप ई रिक्शा से भी जा सकते हो, जिनको चलने में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि बड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा बंदा थक जाता है घूमते घूमते। और इधर देखिए भाई साहब गणेश जी की प्रतिमा देखिए आप, है ना ज़बरदस्त। और इधर से द्वार के दर्शन कीजिए, ये अंदर वाली साइड पर ही है, महाकाल लोक जी के अंदर वाली साइड पे ये द्वार बना हुआ है, कितना बड़ा द्वार है यार, ये देखो भाई साहब। और इधर यक्ष देवता जी की मूर्ति है, और ये देखिए सामने, है ना ज़बरदस्त अद्भुत। और आप देखो यार ये जो द्वार भी बने हुए हैं ना यार, कितनी बढ़िया, मतलब कि इस पर कारागरी की गई है यार, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखो भाई, है ना ज़बरदस्त, ये देखो। और फटाफट से इधर को चलते हैं, और आगे जाके अब देखता हूँ अभी कि अभी आगे क्या है, क्योंकि अभी एंड नहीं हुआ है। मैंने पूछा यहाँ से
वो कह रहे अभी आगे जाओ, आगे और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, तो अभी आगे जाके देखता हूँ। और ये देखिए इधर भाई ऐसे है, और इधर देखिए इधर भी गेट है, तो इसको आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। पानी पी लूँ यार, पहले प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है, पानी पीता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ मैं। सो फाइनली मैंने पानी पी लिया, कुछ जान आई है। अब भाई अभी देखते हैं इधर क्या है। इधर यार बहुत ही बढ़िया वाला एक सीन बना हुआ है, ये दिखाता हूँ आपको अभी मैं अंदर जाके। तो ये देखो भाई, ये देखिए इधर कुआं बना हुआ है और यहाँ पे गायें, ये देखिए भाई साहब कुआं है पूरा ये बना हुआ, और इधर गायें खड़ी हुई है, नकली वाली, असली वाली नहीं नकली वाली। और दिखाता हूँ अभी आगे और भी है। ये क्या भाई, ये देखो यार, इसकी डिटेल तो अभी लिखी होगी आई थिंक, यहाँ पे डिटेल नहीं लिखी बट आई थिंक ये चक्की है, ये चक्की है, ये चक्की है आटा पीसने वाली, मेरे हिसाब से जो पुराने ज़माने में यूज़ होती थी। ये पत्थर है पूरा, चक्की है, ये देखिए। और इधर देखिए, ये देखिए, आई डोंट नो कि ये क्या है क्योंकि इसकी डिटेल नहीं लिखी हुई। और आगे देखते हैं कि आगे क्या है। और ये सामने भाई म्यूज़ियम है, ये मेरे को किसी ने बोला था कि म्यूज़ियम ज़रूर देखना, इस म्यूज़ियम में बहुत कुछ है। तो मैं अभी म्यूज़ियम के अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि म्यूज़ियम के अंदर क्या है। यार ये बहुत ज़बरदस्त है, बट एक बार मेरे को पूछना पड़ेगा कि अंदर वीडियो अलाउड है या नहीं है, अगर तो अलाउ हुई तो आपको दिखाऊँगा, नहीं तो भाई माफ़ करना अपने भाई को, मैं अभी देखता हूँ। त्रिवेणी म्यूज़ियम भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़ियम है, और यहाँ का आपको सारा कुछ दिखाता हूँ मैं। टिकट का रेट भी बताता हूँ कि यहाँ पे टिकट लगती है, टिकट का रेट क्या है। तो भैया से पूछता हूँ, भैया जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल भैया, यहाँ पे टिकट का रेट क्या है? 20 रुपये पर पर्सन। 20 रुपये पर पर्सन। और बच्चों का? बच्चे फ्री, 15 साल से कम उम्र के बच्चे फ्री। 15 तो 15 साल के कम उम्र के बच्चे यहाँ पे टोटली फ्री हैं। आपके भाई का टिकट लगेगा 20 रुपये है, और मेरी वाइफ का टिकट भी लगेगा 20 रुपये, तो मतलब मेरे लगेगा टोटल 40 रुपीज़ बच्चे फ्री हैं। तो और भैया अगर मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? मोबाइल से फ्री ऑफ कॉस्ट। और कैमरा से बनाने का? कैमरा से 250 रुपये चार्ज लगेगा। 250 रुपीज़ चार्जेज है। विद स्टैंड लगेगा 400 रुपये। विद स्टैंड, और स्टैंड ना हो तो 250। ठीक है, तो भाई ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भैया ने शेयर की है, तो इसको नोट करके रखना, कैमरा से वीडियो बनाने के यहाँ पे 250 रुपया चार्ज। तो भैया एक चीज़ बताओ मेरे को, म्यूजियम में एक्चुअल में है क्या क्या अंदर देखने वाली चीज़? शिव शाह वैष्णव पे आधारित प्राचीन मूर्तियाँ हैं। अच्छा जी, कलाकृतियाँ हैं जी, एंटी पेंटिंग्स हैं जी, तो सारी पेंटिंग्स हैं। तो कितना टाइम लग जाता पूरा म्यूजियम देखने में? पूरा म्यूजियम 15 मिनट से लेकर 2 घंटे तक लग जाता है। 15 मिनट से 2 घंटे तक, मतलब अगर बारीकी से देखना तो 2 घंटे, तो 2-3 घंटे, 2-3 घंटे मिनिमम लग जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया। तो इधर से एंट्री है भैया? इस तरफ से। इस तरफ से एंट्री, तो अंदर भी इधर से ही, एग्जिट भी इधर से, एग्जिट भी इधर से ही है। ठीक है ठीक है, तो चलो भैया मैं एक बार देखता हूँ। टिकट ले जाइए और आप कार्ड लीजिए। ओके, अभी अच्छा तो भाई साहब ये अच्छा ये फोटोग्राफी जिसने करनी है तो उसके ये उसको भाई साहब ये यहाँ पे गले में डालने के लिए देते हैं टैग, ताकि आपको कोई रोके टोके ना। तो ये देखो भाई, अभी प्रॉपर आपका भाई वो क्या बोलते हैं ना, न्यूज़ चैनल वाला बन गया। का टिकट है, और ये आपका इंडियन सिटीजन का टिकट है। ये हो गया भाई अपना कैमरा का टिकट, कैमरा अंदर लेके जाने का, क्योंकि हम प्रोफेशनल कैमरा चला रहे हैं तो भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। और ये हो गया भाई साहब अपना टिकट, बच्चे फ्री हैं है ना, तो आ जाओ फिर देखते हैं अंदर। ये देखिए भाई साहब प्राचीन कलाकृतियाँ देखिए आप इस म्यूज़ियम में हैं। ये देखिए 11वीं शती की उज्जैन की है ये, महिषासुरमर्दानी। ये देखिए, ये देखिए 11वीं शताब्दी की मूर्ति है ये भाई, और उमा महेश्वर 12वीं शताब्दी की ये कलाकृति है। और ये इधर से लाइट पड़ रही है, इधर से देखिए आप, ये देखिए गणेश जी की मूर्ति है 11वीं शताब्दी की, ये देखिए है ना ज़बरदस्त। देखिए पुरानी पुरानी मूर्तियां मिलेंगी यहाँ पर यार। और ये देखिए इधर यार, जो ज़बरदस्त वाली दश अवतार
मतलब वाली पेंटिंग्स देखी, आप चेक कीजिए यार, ऐसी पेंटिंग्स आपको कहाँ मिलेगी देखने के लिए यार। जय श्री महाकाल जी की। जय जय श्री राधे। जय जय महाकाल। जय महाकाल। तो सर महात्मा जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मित्र सिंह है। मित्र सिंह। और मित्र सिंह के साथ एक चीज़ जुड़ती है, एक अवसर जो जीवन बदल दे, एक पल जो आपके सपनों को साकार कर दे जी, एक क्षण जो आपके जीवन का कायाकल्प कर दे जी। यदि मेरे से मिलने के बाद यदि आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है जी, तो मेरे से या तो मैं नहीं मिल पाया आपसे या आप मेरे से नहीं मिल पाया जी। एक अवसर जो जीवन बदल दे, एक पल जो आपके भाग्य को संवार दे, एक और एक क्षण जो आपके जीवन का कायाकल्प कर दे। मेरे जीवन का संकल्प है, उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है। ये हमारा मोशन मोटो है, उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है। MBA PhD मेरी क्वालिफिकेशन है और महर्षि महेश योगी का मैं सक्सेसर हूँ। और कुंडली सोनीपत में माँ सरस्वती पब्लिक स्कूल जो है हमारा अपना स्कूल है, और वृंदावन बरसाना में भी अपना आश्रम है आनंद पीठम के नाम से। क्या बात, अभी आप आते हैं वहाँ पे तो आपका स्वागत है जरूर। महाकाल ने 4 दिन से इतना आनंद की वर्षा कर रहे हैं कि कल तो मैं दिन भर झूम के नाचता रहा। क्या बात, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। का लोग कैसा लगा आपने देखा? अकल्पनीय, अद्भुत, और इफ आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश तो अमेजिंग। अमेजिंग इज द लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड। इफ यू से द अमेजिंग तो यू कैन नॉट, आफ्टर दैट यू स्पीचलेस। तो मैं फर्स्ट टाइम अभी आया हूँ महाकाल लोक में और महात्मा जी मेरे को मिले, तो मैं आपको बताना चाहूँ, मैंने फर्स्ट टाइम कुछ देवी देवताओं की फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे प्रतिमाएं देखी हैं जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। वेरी वंडरफुल थिंग्स। ये बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो और कुछ महात्मा जी कहना? मेन में जो कहना चाहता था, जैसे आज आप छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, हाँ जी, महाकाल भगवान की कृपा से आज सुबह मेरे मन में प्रेरणा आया। मैं इसमें बहुत ही प्रोफेशनल, मतलब बड़े कैमरे से मैं बहुत ही सुंदर इसमें पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। और इस डॉक्यूमेंट्री बनाने में क्या है कि पूरा प्रोफेशनल रहेगा, और जिसमें आप देखोगे कि मूर्तियों के नीचे मंत्र लिखा है, उस मंत्रों का एक्सप्लेनेशन भी मैं करूँगा अपने ढंग से जो है एक्सप्लेनेशन भी करूँगा कि हर श्लोक का क्या मीनिंग है, क्या उसकी फिलॉसफी है। क्योंकि हमने चारों वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, इनका हमने गहन अवगाहन किया, उनको पढ़ा हुआ है। हमारे करीर साहब को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामना हो। थैंक यू। इन्होंने हमको एक प्री मटेरियल उपलब्ध करा दिया ताकि मेरे को एक बेस मिल जाएगा। और आपका नेचर भी है, आपकी जो बिटिया है कैरल बहुत ही सुंदर है, फर्स्ट टाइम मतलब मेरे को मिली है। कैरल इज अ वेरी गुड गर्ल एंड वेरी इंटेलिजेंट, मतलब क्या कहूँ उसके लिए भी, बड़ी इनोसेंट और बड़ी प्यारी सी बिटिया है। और हमारा जो है क्या सुमेय भी बड़े जो है चंचल और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है। और हमारी बहन तो अच्छी है ये, ताकि बच्चों को इतना खोज के नाम रखा है केरल का, तो ये अच्छा है कि पहचान है। तो ये पूरे परिवार से मिलके बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा कि इनका जीवन हमेशा स्वर्ग बना रहे, हंसता मुस्कुराता रहे। इसी के साथ जय जय महाकाल। ओम नमः पार्वती पते हर हर जय जय श्री राधेश्याम। बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी। श्योर मैं आपका ये आपकी थोड़ी सी एडिशन, आपके ये शब्दावली, जो भी आप संदेश देना चाहते हो, अपनी डॉक्यूमेंट्री में डालूंगा और आपको लिंक शेयर करूंगा। तो महात्मा जी से बात की, तो अभी मैं शुरू करता हूं, मैं दिखाता हूं आपको। ये सामने देखो यार, सूर्य देवता जी की प्रतिमा है यार, 11वीं शताब्दी की प्रतिमा है। आप ध्यान से देखो यार, क्या जबरदस्त, क्या कलाकृति है यार, कितनी बारीकी से था। मेरे को ये नहीं पता कि उस टाइम ये कैसे नकाशकारी करते होंगे यार। ये देखिए जबरदस्त है यार, जरूर भगवान की मूर्ति। देखिए 11वीं शताब्दी की छतरपुर, और ये देखिए यार भाई कैसे यार, क्या जबरदस्त है यार। तो अभी इस गैलरी में मैं आया हूँ, और इस गैलरी में ये देखिए शक्त दुर्गा शक्त गैलरी है, और यहाँ पे पूरा म्यूज़ियम है। और ये देखिए सरस्वती माता की मूर्ति है, 3rd सेंचुरी की है। ये देखिए यार इतनी पुरानी मूर्ति है। और इधर पार्वती मैया की मूर्ति है, 5वीं शताब्दी की है। ये देखिए, आई थिंक आपको ये मूर्तियाँ कहीं भी नहीं मिलेंगी देखने को। तो महाकाल लोक में है, ये म्यूज़ियम में है, तो जब भी आए यहाँ देखिए, सिर्फ 20 रुपये टिकट है। और ये देखिए ब्राह्मणी लगभग 9वीं शताब्दी की ये मूर्ति है, ये आगे कुमारी लगभग 9वीं शताब्दी की मूर्ति है ये। ये देखिए है ना जबरदस्त, देखते रहना, लंबा होगा वीडियो, बट इसको एंड तक देखे। ये आपको वीडियो हर जगह नहीं मिलेगा, तो आपको अभी और दिखाता हूँ मैं। ये महिषासुर मर्दिनी 8वीं-9वीं शताब्दी की मूर्ति है, ये देखो
तो ये देखिए 18वीं सदी की ये लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है। देखिए यार कितनी प्यारी मूर्ति है ये। और ये इधर देखिए यार 12वीं शताब्दी की ऑलमोस्ट 10,000 साल पुरानी मूर्ति है ये, दश अवतार पट। और इधर देखिए लक्ष्मी नारायण 12वीं शताब्दी शाहपुरा मंडल, जबरदस्त। और ये देखिए विष्णु जी की 10वीं शताब्दी की ऑलमोस्ट 12,000 साल पुरानी मूर्ति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और ये देखिए 12वीं शताब्दी की मूर्ति है ये योग नारायण की। और ये देखो विष्णु जी की 12वीं शताब्दी की ऑलमोस्ट 10,000 साल पुरानी मूर्ति है ये। सारी ये विष्णु जी की मूर्तियाँ। और अभी आपको दिखाता हूँ मैं ये 19वीं शताब्दी के गोपाल कृष्ण जी की मूर्ति है। और ये सारे कॉइन्स हैं जो 10-10, 20-20 हज़ार साल पुराने कॉइन्स हैं ये सारे, ये देखिए। और इधर आपको मैं दिखाता हूँ, सामने सरस्वती जी की मूर्ति है, तीसरी शताब्दी की ये मूर्ति है सरस्वती जी की। ये देखिए ये ऑलमोस्ट 19,000 साल पुरानी मूर्ति है ये, 19,000 साल पुरानी। और ये पार्वती मैया जी की मूर्ति है 5वीं शताब्दी की, और ये भी ऑलमोस्ट 18,000 साल पुरानी मूर्ति है। तो इधर भी कुछ मूर्तियां हैं जो आपको मैं दिखाता हूँ। ये नटराज की 18वीं सदी की मूर्ति है, ऑलमोस्ट 4,000 साल पुरानी ये मूर्ति है। और इधर देखिए 12वीं शताब्दी की त्रिदेव जी की मूर्ति, शिव भोले की मूर्ति 12वीं शताब्दी की उज्जैन की ये मूर्ति है, ऑलमोस्ट 10,000 साल पुरानी। ये सारी प्रतिमाएं आपको महाकाल लोक के म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगी। और इधर ये देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग पिक है, ये आपको मैं दिखाता हूँ, लकुलिश 7वीं शताब्दी ऑलमोस्ट ये 15-16 हज़ार साल पुरानी पेंटिंग है। और ये देखिए नंदी जी की मूर्ति है 1वीं सदी की, ओ भाई साहब ये 21,000 साल पुरानी मूर्ति है नंदी जी की। और ये देखिए यहाँ पे इनकी डिटेल लिखी हुई है प्रॉपर, शिव का वाहन नंदी, नंदीश्वर और नंदिनी के नाम से जाना जाता, जो वैदिक काल में वृषभ के रूप में अनेक देवी देवताओं का प्रतीक था। तो ये 21,000 साल पुरानी भगवान नंदी जी की मूर्ति है, मुख लिंग है देखिए। और नज़दीक से देखिए यार, ये देखिए और ये देखिए इधर एक मुख लिंग इधर भी है 6वीं शताब्दी का, ये देखिए नज़दीक से देखिए यार, है ना ज़बरदस्त। तो आ जाओ आगे जाकर देखते हैं और क्या है कि यहीं पे ख़त्म हो गया। और ये इधर लाइब्रेरी है जय श्री महाकाल। और इधर ये लाइब्रेरी है धार्मिक पुस्तकों की, सारी यहाँ पे लाइब्रेरी भी अवेलेबल है। तो लाइब्रेरी भैया ये सिर्फ पढ़ने के लिए है या यहाँ पे मतलब खरीदी भी जा सकती है? खरीदने वाला सेक्शन भी है लास्ट में। अच्छा, बाकी किताबें यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सारी भगवत गीता हर मतलब चारों वेद भी यहाँ पे मिलेंगे पढ़ने के लिए, आप जो मर्जी धार्मिक किताब यहाँ पे आके पढ़ सकते हो। थैंक यू भैया। तो ये देखिए इधर भाई ये सारे मंदिरों की फोटोएं लगी हुई हैं। और ये क्या है यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग ये मेरे को लग रहा है। ये देखिए यार ये क्या है, तो ये शिव की प्रतिमा है, लकड़ से बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है। और ये देखिए यार ज़बरदस्त है। और इधर देखिए पेंटिंग्स, और ये इधर देखिए ये भी शिल्पकारी है, लकड़ी से बना हुआ है ये देखिए। और ये दुर्गा माँ का रूप है, और ये देखिए लकड़ी से बना हुआ, क्या ज़बरदस्त है यार। भाई आज तो यार मैं जो नंदी महाराज की 21,000 साल पुरानी जो मैंने मूर्ति देखी ना यार, मज़ा आ गया देख के। और ये देखो कुछ पुरानी पेंटिंग्स हैं यहाँ पर, सारी पेंटिंग्स हैं दुर्गा मैया की, विष्णु माया, भवानी, चामुंडा, कामेश्वरी, सारी माताओं के अलग अलग रूप हैं, अंबिका, माँ सुपुपा, हेमावती। ये देखिए मिलेगा, देखने को मिलेगा आपको सारा ये महाकाल के म्यूज़ियम में। और इधर देखिए ये देखिए यार
ये देखिए यार, ये क्या चीज़ है यहाँ पे ना, इसकी डिटेल नहीं लिखी हुई, एक्चुअल कोई है नहीं, बट ये बहुत ही यार पुरानी। अच्छा ये देखिए, ये किसी की है, कुछ बना हुआ है, बट आई डोंट नो कि क्या है। और इधर ये मूर्तियाँ, ये देखिए है ना ज़बरदस्त। और शिव के डिफरेंट टाइप के डमरू दिखाता हूँ। और ये देखो भैरव जी की पेंटिंग्स, और ये डमरू रखे हुए हैं यहाँ पे, अलग अलग तरह के डमरू हैं। ये देखिए सारे, सब कुछ आपको मिलेगा महाकाल लोक में। और इधर देखिए माँ पार्वती की प्रतिमा बनी हुई है, पेड़ को काट के बनाई हुई है ये प्रतिमा सारी माँ पार्वती की, ये देखिए। और ये डमरू देखिए यार, अलग अलग तरह के डमरू है सारे यहाँ पे पड़े हैं। और ये देखिए भाई, ओ भाई साहब, पिक्चर तो सारी यहाँ पर है यार। ये देखो यार पुरानी कलाकृतियाँ, ये देखो ज़बरदस्त। और ये नंदी जी की यहाँ पे मूर्ति पड़ी है। और ये देखो भाई, भगवान भोलेनाथ जी इधर विराजमान है, और ये दिया जल रहा है। और ये देखिए है ना ज़बरदस्त। और ये देखो इधर सारा पूरा पुराना, मतलब समय आपको याद करवाया जा रहा है इस थीम के थ्रू, ये देखो सारा। और इधर देखो, ये देखिए काली मैया, और इधर भगवान शिव, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव। और ये देखिए इधर, ये देखो यार ये प्रतिमा कौन सी है भाई, रुद्र, ये रुद्र जी की तस्वीर है, देखिए ज़बरदस्त। कितनी पुरानी होगी यार ये, बहुत पुरानी है, 20,000 साल पुरानी है ये। और ये देखिए भैरव जी की, काल भैरव जी की प्रतिमा देखो, ये ज़बरदस्त। और इधर देखिए भैरव जी की प्रतिमा इधर भी लगी हुई है। और इधर ये देखिए, ये भी भैरव जी की है। और इधर पेंटिंग्स लगी हुई हैं कुछ, बहुत बड़ा है यार, देख लो कब से वीडियो स्टार्ट किया और थक गए। और इधर ये देखिए सदा शिव जी की तस्वीर है, ये मूर्ति है, देखो यार नज़दीक से देखो एक बार, ये देखो है ना ज़बरदस्त। शिव परिवार ज़बरदस्त, ओ भाई साहब, ये पंचमुखी शिवलिंग भाई, जिसने दर्शन करने हैं वो करे, ये पंचमुखी शिवलिंग है, ये देखिए पंचमुखी शिवलिंग है ये, हजारों लाखों साल पुराने हैं ये शिवलिंग जो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। और ये देखिए इधर चतुर्मुखी शिवलिंग है ये, ये देखिए बहुत बढ़िया है यार, बहुत ही बढ़िया है, जरूर आना, 20 रुपये में इतना कुछ है यहाँ पे देखने के लिए यार। और ये देखिए शिव पार्वती विवाह का सुंदर दृश्य, पूरा मूर्ति में उकारा गया, पुरानी मूर्तियों में उकारा गया। और ये देखिए है ना सुंदर, ये देखिए ज़बरदस्त है। और इधर शिव परिवार, जय श्री महाकाल, ये देखिए, ये देखो। तो शिवानी पूरी खुश हो गई है देख के, चलें वापस कैरल के पैर दुखने लग गए। और अभी आगे देखते हैं आगे जाके कि आगे और क्या है, यहाँ पे क्या है, ये देखो ये श्री यंत्र है यहाँ पे बनाया हुआ, ये लकड़ी का है श्री यंत्र। और ये सारे यंत्र हैं यहाँ पे, मातंगी यंत्र, बगलामुखी यंत्र, कमला यंत्र, ये देखिए ये आ गया धूमावती यंत्र, त्रिपुर सुंदरी यंत्र, छिन्मस्ता यंत्र, भुवनेश्वरी यंत्र, ये देखिए शोरसी यंत्र, तारा यंत्र, और ये हो गया काली यंत्र। तो ये सारे यंत्र हैं यहाँ पे। ये देखिए इधर महिषासुर मर्दिनी, ये देखिए यार मूर्ति, और की क्लैरिटी चेक कीजिए यार, ज़बरदस्त है यार। थोड़ी लाइट कम पड़ रही है, मैं पीछे से इसको शूट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो सरस्वती माँ की लकड़ी की प्रतिमा देखिए यार, है ना ज़बरदस्त। और इधर
और भी यहाँ भी, और ये सारी पेंटिंग्स हैं, बहुत पुरानी पुरानी पेंटिंग्स हैं भाई, ये देखो बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं ये सारी लगी हुई, ये वो है, और इधर देखिए, ये देखो पेंटिंग्स, सारी पेंटिंग्स हैं ये, और ये महिषासुर मर्दिनी सरस्वती लक्ष्मी मैया, ये सारा देखिए आप, ये देखिए, और ये देखिए यार कितनी ज़बरदस्त प्रतिमा है ये, ये देखो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है ये देखिए। तो फाइनली मेरे को लग रहा है कि ऑलमोस्ट मैंने ये सारा म्यूज़ियम देख लिया है, तो अभी मैं नीचे वापसी रास्ते में जा रहा हूँ और देखता हूँ कि अब आगे कुछ देखने वाला है या नहीं है। इधर निकास का लिखा हुआ है कहीं? तो इधर से हम निकलेंगे बाहर को। ओ भाई साहब, अभी एक चीज़ और की, ये देखो यार, ये देखो, ये देखो, ये देखो यार, ये सुदामा जी की ये मूर्ति, अगर देखकर आपका दिल ना खुश हुआ यार, तो फिर नहीं आप खुश हो सकते भाई साहब। ये देखो श्री कृष्ण जी, सुदामा जी जब उनको मिलने गए थे उनके घर पे, तो उन्होंने उनके चरण धोए थे, और ये सच्ची मित्रता का भी एक प्रतीक है जिसको बोलो, है ना। तो ये देखो यार, ज़बरदस्त है यार ये कलाकृतियाँ। वीडियो ये कैसी बनेगी, बट जो ये मैं अभी खुद मैं अपनी आँखों से देख पा रहा हूँ ना यार, वो एक अलग ही लेवल का है यार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत सुंदर। ये देखिए, और ये देखिए भाई साहब, ये देखिए इधर कृष्ण जी की पेंटिंग्स देखिए यार, ज़बरदस्त वाली पेंटिंग्स है। और ये पेंटिंग्स चेक करो यार, ये देखो जब द्रौपदी मैया का चीरहरण हुआ था, ये वो पेंटिंग है, और देखो क्या ज़बरदस्त है यार ये पेंटिंग्स, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत। और इधर देखिए, ये देखिए सामने पेंटिंग यार, इस पेंटिंग को देखो, अहंकार पेंटिंग को, अहंकार पांडवों की ओर से दूत की भूमिका में श्री कृष्ण शांति स्थापित करने के उद्देश्य से हस्तिनापुर जाते हैं और पांडवों को अंतिम रूप में 5 गांव देने का आग्रह करते हैं, बट धृतराष्ट्र उनके इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर देता है। तो ये अहंकार पे बेस्ड है, और ये गीता उपदेश जब दिया था श्री कृष्ण ने, तो उस टाइम की ये पेंटिंग है यार, ये पेंटिंग चेक करो यार, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है ये। और ये इधर मोह की थीम पे ये पेंटिंग है, कितनी सुंदर है यार, कैमरा पूरा कवर कर रहा है इस पेंटिंग को, तो आपको मैं आशा करता हूँ कि अच्छी दिखेगी ये पेंटिंग। ये देखिए ज़बरदस्त। और मेरे को अगर मैं बताऊँ कि सबसे अच्छी पेंटिंग मेरे को कौन सी लगी, तो मैं आपको बताऊँगा, ये देखिए यार, ये प्रतिज्ञा की पेंटिंग है, और देखो यार ऐसे लग रहा है कि सामने खड़े हुए हैं श्री कृष्ण, ज़बरदस्त है ये, ज़बरदस्त। और ये द्रौपदी चीरहरण का ये देखिए पेंटिंग है ना, बढ़िया। तो चलिए आगे चलते हैं, और ये देखिए कृष्ण रास, ये कृष्ण रास की प्रतिमाएं यहाँ पे लगी हुई हैं, और यहाँ पे देखिए यार पेंटिंग, ज़बरदस्त पेंटिंग बन गई है यार, दिल खुश हो गया इन पेंटिंग्स को देख के ना यार, मन खुश हो गया, पूरा मन खुश हो गया, ज़बरदस्त है। तो ये देखिए, इधर से हम निकल गए हैं म्यूज़ियम से बाहर का ये रास्ता है, और यार वो सामने महाकाल लोक है भाई साहब, बहुत दूर जाना, अभी पूरा थक गया हूँ, बहुत बड़ा महाकाल लोक, बट सिर्फ 20 रुपये जो इन्होंने टिकट रखी है ना, आई थिंक बढ़िया है कि हर कोई इसको आकर देख सकता है, और बच्चों के लिए फ्री है, 15 साल की एज के नीचे अगर बच्चे हैं तो ये टिकट टोटली फ्री है, ज़बरदस्त। तो ये सुमे जा रहा है, मेरे कैमरे की पूरी एक्सेसरी इसने अपने बैग में डाल रखी है तो वो अपनी केरल जा रही है, उसके बाल अभी सेटिंग करने हैं उसने बालों की, तो ये अपनी जा रही है, मैं सूट लेती हूँ चिन्नरिया से, तो ये वो है, वो वाली बहन जी है। तो फाइनली अभी हम आ गए हैं बाहर इधर, तो ये सामने नाथ द्वार जी, श्री नाथ जी की हवेली का सारा चलचित्र बनाया गया, तो आप इसको देखो पूरा एज इट इज़ उस नक्शे के अकॉर्डिंग ये बनाया गया, ये आप सारा देखिए है ना, ज़बरदस्त देखो, बहुत ज़बरदस्त है। और इधर सामने नटराज जी की मूर्ति है, और दीर्घ कलाएँ भी मैंने आपको दिखा दी, पुरानी पुरानी मूर्तियाँ भी आपको मैंने दिखा दी, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा इस पर्टिकुलरली इस म्यूज़ियम का, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, और सारा कुछ यहाँ पे आपको मेंशन हुआ मिलेगा, और
थैंक यू सो मच। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने यार ऐसा म्यूज़ियम खोला, और बहुत ही बढ़िया म्यूज़ियम है यार। और ये पुरानी पुरानी मूर्तियाँ आपको कहीं नहीं मिलेगी यार। ये मूर्ति देखो यार, 10वीं शताब्दी की शिव की प्रतिमा है यार। ये देखिए 10वीं शताब्दी की, ऑलमोस्ट 12,000 साल पहले ये शिव की प्रतिमा बनाई गई थी। और इधर बिल्कुल इसके साथ ये देखिए उमा महेश 12वीं शताब्दी, ये भी 10,000 साल पुरानी। थोड़ी नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखिए शिव पार्वती की प्रतिमा देखिए। तो है ना ज़बरदस्त यार, तो मज़ा आ गया यार मेरे को इस म्यूज़ियम में घूम के आपको दिखाऊंगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक चीज़ और दिखाना भूल गया आपको, अभी ये दिखाता हूँ। इधर कुछ और भी प्रतिमाएँ पड़ी हैं, ये देखिए सामने, बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और नंदी जी की एक बार मैं फिर से प्रतिमा देखना चाहूँगा, क्योंकि यार 21,000 साल पुरानी मूर्ति मेरे सामने पड़ी है यार, जिसको मैं देखे बिना नहीं रह पा रहा। और यार ये देखो यार, है ना ज़बरदस्त, 21,000 साल पुरानी ये नंदी जी की प्रतिमा है यार, ज़बरदस्त। तो मैं अभी आ रहा हूँ बाहर, तो ये जहाँ से हम एंटर किए थे वहीं से हम बाहर निकलेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।